हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रैक। आज हम अगस्त महीने के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाए ताकि हम नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाल ही में किस दिन को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई और 30 जुलाई। और इसका आंसर होगा 30 जुलाई। Who has been appointed as a new CEO of Paytm Money? हाल ही में Paytm Money के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है नीरज व्यास, सतीश कुमार गुप्ता, वरुण श्रीधर और नानब दीज। और इसका आंसर होगा वरुण श्रीधर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड बहुत जरूरी है। हाल ही में किस सामान्य बीमा कंपनी ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया बहुत जरूरी है? इसका ऑप्शन है SBI जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस और नानक दीज। और इसका आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। आज का चौथा क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और नानक दीज। और इसका आंसर होगा उत्तराखंड। आज का पांचवा क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। हाल ही में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 20 जुलाई, 24 जुलाई, 27 जुलाई और 30 जुलाई। और इसका आंसर होगा 30 जुलाई। रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। हाल ही में किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 23 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई और 1 अगस्त। और इसका आंसर होगा 1 अगस्त। Which ministry has been awarded the Scotch Gold Award recently? हाल ही में किस मंत्रालय को Scotch Gold Award से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है Ministry of Agriculture, Finance Ministry, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Defence। और इसका आंसर होगा Ministry of Tribal Affairs। हामिद बोकायोगो has been appointed as the new Prime Minister of which country? हामिद बोकायोगो को कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है पेरू, आयरलैंड, आइवरी कोस्ट और नन ऑफ दीज। और इसका आंसर होगा आइवरी कोस्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मिश्रा, अनुभव गुप्ता, हार्दिक सतीश चंद्र शाह और नन ऑफ दीज। और इसका आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट 2020 रिलीज बाय नीति आयोग। किस जिले ने नीति आयोग की आकांक्षी जिले के सूची 2020 में सबसे ऊपर रैंक हासिल किया है? इसका ऑप्शन है रिवोई, बारिच, बीजापुर और नानबदीज। और इसका आंसर होगा बीजापुर। व्हिच स्टेट लॉन्च्ड एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फ्रॉम अगस्त 1 टू अगस्त 15। किस राज्य ने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक मुखौटा अनेक जिंदगी नाम के जन जागरूकता अभियान चलाया है? इसका ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। रिसेंटली इन व्हिच वीक इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। हाल ही में किस सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 1 जुलाई से 7 जुलाई, 9 जुलाई से 16 जुलाई, 22 जुलाई से 29 जुलाई और 1 अगस्त से 7 अगस्त। और इसका आंसर होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त। रिसेंटली व्हिच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट ली तेंग हुई रिसेंटली डाइड। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई के हाल ही में निधन हो गया है? इसका ऑप्शन है आयरलैंड, थाईलैंड, ताइवान और साउथ कोरिया। इसका आंसर होगा ताइवान। व्हिच इज द फर्स्ट गल्फ नेशन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला खड़ा देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है इराक, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतार। और इसका आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ई रक्षाबंधन प्रोग्राम। किस राज्य ने हाल ही में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और गुजरात। और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। रिसेंटली इन व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड संस्कृत डे। हाल ही में किस दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 28 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 3 अगस्त। और इसका आंसर होगा 3 अगस्त। मोहम्मद इरफान अली बिकम्स अ प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इसका ऑप्शन है आयरलैंड, इराक,
गुआना और साउथ अफ्रीका, और इसका आंसर आएगा गुआना। हु ऑन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? इसका ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपन, वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, हाल ही में किसको एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है पंकज तिवारी, विनय गुप्ता, शशिधर जगदीशन और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा शशिधर जगदीशन। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल सियासत में सदाशित, सियासत में सदाशित नामक पुस्तक कौन लिखा है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चेतन भगत, विजय कुमार चौधरी और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। व्हिच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट सिटी टू गॉट मैनुअल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकोट, मैनुअल सफाई रोबोट बैंडिकोट पाने वाला पहला पूर्वोत्तर शहर कौन सा है? इसका ऑप्शन है शिलोंग, अगरतला, गुवाहाटी और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा गुवाहाटी। हु हैज ऑथर द बुक टाइटल विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका ऑप्शन है चेतन भगत, अमृत त्रिपाठी, निरुपमा यादव और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा निरुपमा यादव। हिचम मिचजी बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री, हिचम मिचजी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन है आयरलैंड, सूडान, ट्यूनिशिया और पेरू, और इसका आंसर होगा ट्यूनिशिया। हु हैज बीन अवार्डेड विद करमवीर चक्र अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड आई कॉन्गो एट रेक्स कॉन्क्लेव, इसे संयुक्त राष्ट्र के करमवीर चक्र पुरस्कार और आई कॉन्गो एट रेक्स कॉन्क्लेव से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है विपुल मेहता, आकाश शर्मा, सुनील वाई डी बी एस एस और नानक दीज, और इसका आंसर होगा सुनील वाई डी बी एस एस। रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लंग कैंसर डे, हाल ही में किस दिन को विश्व लंग कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 28 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 3 अगस्त, और इसका आंसर होगा 1 अगस्त। मार्क फिलिप्स हैज बीन स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री, मार्क फिलिप्स ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका ऑप्शन है आयरलैंड, पेरू, गुआना और सूडान, और इसका आंसर होगा गुआना। इन व्हिच स्टेट हैज थंजल गोल्फ रिसोर्ट हैज इनॉग्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में थंजल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटका, मिजोरम और सिक्किम, और इसका आंसर होगा मिजोरम। रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, हाल ही में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, और इसका आंसर होगा 3 जुलाई। रिसेंटली व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सिस्टम, हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है हरियाणा, आसाम, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, और इसका आंसर होगा उत्तराखंड। रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज हिरोशिमा डे, हाल ही में किस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, और इसका आंसर होगा 6 अगस्त। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन है यशवंत सिंह, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा मनोज सिन्हा। रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय हस्तचालित दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 1 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त, और इसका आंसर होगा 7 अगस्त। व्हिच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल आरटीपीसीआर लैब, भारत का पहला मोबाइल आरटीपीसीआर लैब को किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका और तेलंगाना, और इसका आंसर होगा कर्नाटका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है अरविंद सक्सेना, मनोज सिन्हा, प्रदीप कुमार जोशी और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है राजीव महर्षि, सुनील कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू और नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच सिटी ऑफ महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन है पुणे, नागपुर, देवलाली और नन ऑफ दीज,
और इसका आंसर होगा देवलाली। रिसेंटली इन व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स। हाल ही में विश्व स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 1 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस? PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है सुरेश पटेल, नीरज व्यास, हरदयाल प्रसाद और नानक दीज। और इसका आंसर होगा हरदयाल प्रसाद। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या? अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका ऑप्शन है चेतन भगत, नीना राय, अमरेश त्रिपाठी और नानक दीज। और इसका आंसर होगा नीना राय। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है विपुल मेहता, विकास गुप्ता, PS रणदीप से और नानक दीज। और इसका आंसर होगा PS रणदीप से। व्हिच कंट्री विल होस्ट ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021? कौन सा देश ICC मेंस T20 क्रिकेट विश्वकप 2021 का मेजबानी करेंगी? और इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और श्रीलंका। और इसका आंसर होगा इंडिया। हु लॉन्च्ड सुरक्षा नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट? किसने सुरक्षा नेशनल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी। और इसका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? हाल ही में किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 2 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त। और इसका आंसर होगा 10 अगस्त। रिसेंटली व्हिच स्टेट लॉन्च्ड इंदिरा वन मितान योजना स्कीम? हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुरुआत की है? इसका ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। और इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन है आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, पेरू और लेबनान। रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एलिफेंट डे? हाल ही में किस दिन को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है अगस्त 4, अगस्त 7, अगस्त 9 और अगस्त 12। और इसका आंसर होगा अगस्त 12। व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरुआत की है? इसका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। और इसका आंसर होगा गुजरात। हु बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर COVID-19 वैक्सीन? COVID-19 वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है USA, रशिया, जापान और नानक दीज। और इसका आंसर होगा रशिया। हु हैज रिसेंटली ऑन द 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स? हाल ही में 70वां वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? इसका ऑप्शन है वैल्टेरी बोटस, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन और नानक दीज। और इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। मोहम्मद ओल्ड बिलाल बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश का नया प्रधानमंत्री बने हैं? इसका ऑप्शन है इक्वेडर, मॉरिशियना, पेरू और नानक दीज। और इसका आंसर होगा मॉरिशियना। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दाइन, थैंक यू।